भोपाल की राजनीति में बेहद खास रहा आज का दिन। अपने वादे के अनुसार फूल सिंह बरैया निकले थे राजभवन पर अपना मुंह काला करने, पर दिग्विजय सिंह ने मुंह काला करने के बजाय दो चार काले टीके ही लगा दिए। इस अवसर पर प्रशासन बेहद अलर्ट दिखा और बरैया दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा चौराहे पर ही रोक दिया गया। यहीं पर मुंह काला करने की रस्म अदायगी भी की गई और यहीं पर बरैया ने मीडिया से बात भी की। अगर मास्टर हूं तो मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी में आप मास्टर नहीं, नहीं, नहीं है। मैं भी मास्टर नहीं हूं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं मास्टर नहीं है, मैं मास्टर हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं एक मैं पॉइंट बता रहा हूं। तेलंगाना में जीत हुई है फूल सिंह जी को, मैं वही बता रहा हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी से सरकार लूट रही हो तो कांग्रेस जैसी पार्टी से अगर कोई सरकार लूट रहा है तो इतना नादान नहीं है वो। ये सारी चीजें आपको कहने के लिए छोड़ दे, नहीं मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 20,000 वोटों की एक स्लैब है, उन्होंने कांग्रेस 20,000 वोट अगर इधर के उधर हो जाए तो 100 सीटों पर फर्क पड़ जाता है, और 20,000 वोट कांग्रेस के माइनस कर बीजेपी में चुपका दिए जाए तो 100 सीटें चली जाएंगी, और 100 सीटें अगर जाती हैं तो सरकार बदल जाती है। आपकी भी जीत, तो ईवीएम के 20,000 की स्लैब ने मुझे 30 पे पहुंचा दिया।